हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला। मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और उसमें इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एंड कंट्रोल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हम पहुंचे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिस्क, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिस्क के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने जाना था कि डेटा बहुत क्रिटिकल एसेट है, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिस्क डेटा का रिस्क है बेसिकली। फाइनली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू रिस्क ऑफ डेटा, लॉस ऑफ डेटा, क्योंकि डेटा बहुत वैल्यूएबल होता चला जा रहा है। और इस प्रस्पेक्टिव के बारे में हमने अपने पिछले सेशंस में बात की थी, और फिर हमने आईएस रिस्क को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, और उसमें हमने एक स्टैंडर्ड उठाया था, आईएसओ का स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का स्टैंडर्ड उठाया, और जो उसकी गाइडलाइंस है मैनेजमेंट ऑफ आईटी सिक्योरिटीज़, उस पर बात की, और उसमें रिस्क को डिफाइन किया। रिस्क को हमने ऐसे डिफाइन किया कि रिस्क में चार चीज़ें होती हैं, एसेट, थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटी और इम्पैक्ट। एसेट का रिस्क होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट क्या है? डेटा। अब चूंकि डेटा जो होता है वो डेटा जो होता है प्रोसेस डेटा होता है, अनप्रोसेस डेटा होता है, तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट एसेट हो जाता है। और उसके बाद क्या है कि आपका हार्डवेयर होता है, क्योंकि हार्डवेयर ही में वो प्रोसेसिंग चल रही होती है, तो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटिंग फैसिलिटी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फाइनली जिस फैसिलिटी में रखा जाता है, जहाँ एसी वगैरह ये रखे जाते हैं, सारे तामझाम आप रखते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो टोटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम एसेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इन्फॉर्मेशन इतना सारा तामझाम उस डेटा को रखने के लिए किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है और इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। और फेसबुक जैसी कंपनी में जिसकी वैल्यू $100 बिलियन, जिसने फेसबुक की वैल्यूएशन कर दी है, $100 बिलियन के आसपास उसकी वैल्यूएशन कर दी है। हिंदुस्तान की टोटल जीडीपी साल भर में हम $1900 बिलियन कमाते हैं, यानी कि फेसबुक को अगर हम बेचें तो एक साल जो पूरा ही आदमी काम करता है उसका 19th पार्ट, पूरे 125 करोड़ भारतीय जितना सम पैदा करते हैं और बेचते हैं, उसकी जो वैल्यू होगी उसका 19th पार्ट की इतनी बड़ी कंपनी, एक कंपनी है जिसमें 4-5 हज़ार एम्प्लॉइज़ बड़ी मुश्किल से काम करते हैं, और फेसबुक नाम की कंपनी है और अचानक कहीं से पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट हो गया, और उन लोगों ने डेटा पर कंसंट्रेट किया, और वो डेटा इंपॉर्टेंट होता चला गया, उनकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती चलेगी। अब डेटा इंपॉर्टेंट हो गया तो उसके लिए, उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हार्डवेयर भी इंपॉर्टेंट हो गया, सॉफ्टवेयर भी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट हो गया, फिर उसके पीछे हार्डवेयर इंपॉर्टेंट हो गया, फिर वो फैसिलिटी इंपॉर्टेंट होगी जिसमें वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब रखा गया है। ये हमने पढ़ लिया था। अब हम थ्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने ये जाना था कि एसेट, थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटी और इंपैक्ट। एसेट्स तो हमने पढ़ लिया, एसेट रिस्क जो होता है एसेट का ही होता है, और रिस्क असेसमेंट इसलिए कर रहे हैं कि डेटा जरूरत से ज़्यादा रिस्की हो गया है। छोटी सी जगह में डेटा आता है और मतलब वो उसकी वैल्यू आज बहुत बढ़ती चली जा रही है, डेटा की वैल्यू आज बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो इस एसेट को किससे प्रॉब्लम होगी? थ्रेट, इस एसेट पर थ्रेट आएगी, और वो थ्रेट उसकी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर देगी, और उससे कोई इम्पैक्ट आ जाएगा, यानी कुछ लॉस हो जाएगा। तो थ्रेट्स क्या होते हैं, थ्रेट्स के बारे में आज पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर थ्रेट्स के लिए वनरेबल हैं, जो कि थ्रेट्स क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। डैमेज का किसकी हो सकती है? डेटाबेस की लॉस हो सकती है, या डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डेटा जो बहुत वैल्यूएबल आइटम है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी इंटेग्रिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको लॉस हो सकता है, उसका डिस्ट्रक्शन होता है, या उससे रिलेटेड चीज़ों में डेटा कहाँ प्रोसेस होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ गई, इंफॉर्मेशन सिस्टम फैसिलिटी है, फैसिलिटी में कोई डिस्ट्रक्शन हो गया, फैसिलिटी में डिस्ट्रक्शन हो गया तो डेटा में प्रॉब्लम आ गई, हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो डेटा में प्रॉब्लम आ गई, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई तो डेटा में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेसिकली हर चीज़ डेटा से जुड़ी हुई है, तो पूरी चेन में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थ्रेट क्या करता है? कहीं पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और थ्रेट क्या है? लॉस बहुत कम हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल ग्लीचेज आ सकते हैं, मतलब हैकर जो है एक टेक्नोलॉजिकल ग्लीचेज क्रिएट कर सकता है। डिस्क्रिंडल और एडवेंचरस एम्प्लॉय प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। डेटा एंट्री क्लर्क है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी कि एम्प्लॉय, आउटर एम्प्लॉय, हैकर, इंटरनल एम्प्लॉय, और अगर आउटसोर्स कर रखा तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम, या एक्सटर्नल हैकर प्रॉब्लम कर सकता है, थ्रेट क्रिएट कर सकता है, यहाँ से थ्रेट्स आती हैं। तो बेसिकली एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक एक्यूरेट एस्टिमेट होना चाहिए इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड एक्सपोजर का, और इसी से वो कंट्रोल्स की एडिक्वेसी फाइंड आउट कर सकेगा, और फिर वो ऑडिट प्लानिंग
एफर्ट को एस्टिमेट करेगा कि भाई एक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सपोजर्स उसे पता है, उसको कंट्रोल्स आइडेंटिफाई किया उसने और फिर कहा कितना एफर्ट लगेगा, वो एस्टिमेट कर लेगा उस एफर्ट को। लेकिन ये डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि कुछ हिडन रहते हैं, लॉसेज हिडन रहते हैं, पता नहीं लगते हैं, अचानक बाद में पता चलता है कि ये सारे लॉसेज हैं जब ऑडिट कर रहे होते हो। और कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट उसे कारपेट के नीचे दबा देता है, मतलब छुपा देता है। कोई अगर कोई अनफेवरेबल पब्लिसिटी ना हो, बैंक में अगर कोई कहीं पर कुछ हो गया, अगर 50,000 निकालने थे अकाउंट से, 5 लाख निकल गए, 50,000 सॉरी उल्टा 5 लाख तो नहीं निकलते एक टाइम में ATM से, 500 रुपये निकालने थे और 5,000 रुपये निकल गए गलती से, तो बैंक कभी नहीं चाहेगा कि किसी को पता चले। वो पब्लिसिटी दबाने की कोशिश करेगा, बात को दबाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी गुडविल इंपॉर्टेंट है। तो ये थ्रेट्स क्या करती हैं? बेसिकली थ्रेट्स जो हैं डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर लेती हैं, या सिस्टम रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के साथ प्रॉब्लम करती है। अवेलेबिलिटी सिस्टम किसी भी सिस्टम के रिसोर्सेज के साथ हो सकती है, आदमी की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई डिज़ास्टर हो गया, आदमी को चोट वगैरह लग गई या डेथ हो गई, तो उसकी अवेलेबिलिटी में डिज़ास्टर कर सकती है, फैसिलिटी में डिज़ास्टर कर सकती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिज़ास्टर क्रिएट कर सकती है। तो अवेलेबिलिटी, इन सब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ताकि ये डेटा को अवेलेबल करा सके। अगर ये डेटा को अवेलेबल नहीं कराएंगे तो अवेलेबिलिटी हैम्पर होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी डेटा की हैम्पर होगी। तो एक सिस्टम में एक क्लियर कट आइडिया जो है थ्रेट का, एक वर्किंग एनवायरनमेंट में ये होगा कि सिस्टम मैनेजर के पास सबसे एफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे और इन्हें सेफगार्ड्स बनाने पड़ेंगे। किसके लिए बनाने पड़ेंगे? थ्रेट्स के लिए सेफगार्ड बनाने पड़ेंगे ताकि वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट नहीं करें। और अगर वनरेबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं और लोअर प्रोबेबिलिटी है उस वनरेबिलिटी के अकरेंस की, तो कई बार क्या होता है कि आदमी केवल कॉन्शियस हो जाता है, कंट्रोल्स नहीं लगाता है, क्योंकि कंट्रोल्स लगाने में कॉस्ट आती है। तो वनरेबिलिटी बहुत कम है। तो अगर आप एक शहर में रह रहे हो और फ्लड की कोई आने की कोई चांसेस नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप उसकी फैसिलिटी प्लानिंग करते समय उसके रिगार्डिंग सोचो ना सोचो, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कॉन्शियस रहना है आपको कि ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है रिस्क एपेटाइट ऑफ मैनेजमेंट। कई मैनेजमेंट रिस्क बिल्कुल भी नहीं चाहते। रिस्क एपेटाइट क्या है मैनेजमेंट की, ये इस पर डिपेंडेंट करता है। तो अब ये डिसीजन जो है रिस्क एनालिसिस आप करते हो और उसी के बाद ये डिसीजन लिए जाते हैं। तो थ्रेट्स क्या हो सकती हैं? सबसे पहले जो है आदमी है। तो आदमी क्रिटिकल लिंक होता है, रिसोर्स क्रिटिकल लिंक होता है, ह्यूमन बीइंग क्रिटिकल लिंक होता है, एंटरप्राइज की कंप्यूटिंग उसकी वजह से होती है। तो स्पेशल स्किल सेट्स हो सकते हैं, जैसे आईटी ऑपरेशनल टीम के पास, प्रोग्रामर्स के पास, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास, इनके पास की लिंक्स हो सकते हैं ताकि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़र रिक्वायरमेंट को डिलीवर कर सके। तो क्या हो सकता है कि ये अपने स्पेशल स्किल सेट को गलत यूज़ करें, सोशल इंजीनियरिंग, कोई बंदा इनके साथ सोशल इंजीनियरिंग कर दे, इन लोगों को टारगेट कर दे, या ये अपनी स्पेशलाइजेशन को गलत तरीके से यूज़ करें और डेटा को अनऑथराइज्ड रूप से यूज़ करें। डेटा को अनऑथराइज्ड रूप से यूज़ नहीं करना चाहिए। तो जो थ्रेट्स हैं उसमें पीपल का भी थ्रेट है, दूसरा है पावर लॉस का थ्रेट, पावर फेलियर हो सकते हैं, उससे डिस्ट्रप्शन हो सकता है। पावर फेलियर हुआ तो कंप्यूटर बैठ सकता है, कंप्यूटिंग इक्विपमेंट पावर सप्लाई पर डिपेंडेंट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक पावर फेलियर का बहुत अवेलेबिलिटी में बहुत असर पड़ता है। अगर पावर डाउन हो गई तो अवेलेबिलिटी ख़त्म हो सकती है, कई बार डिज़ास्टर्स भी हो जाते हैं पावर फेलियर के। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट फुजीकामा में हुआ, वहाँ पर पावर चलेगी और कोर ब्रीच हो गया, वहाँ के ऑटोमेटेड सिस्टम्स काम नहीं किए। तो पावर लॉस एक थ्रेट के रूप में उभर सकता है। कम्युनिकेशन फेलियर है, अगर कम्युनिकेशन लाइंस कट गई, अगर मान लिया सपोज ई बैंकिंग है या आपके पास आपका एक BPO है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन फेलियर थ्रेट के रूप में काम करेगा। डिसग्रेंटल एम्प्लॉई है, जैसे यो पीपल बोलें या डिसग्रेंटल्ड एम्प्लॉई बोलें, डिसग्रेंटल एम्प्लॉई एक थ्रेट होते हैं। कई बार क्या होता है वो गुस्सा होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से नाराज होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि प्रोसेसिंग फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा देते हैं, सेबोटाज कर लेते हैं।
इसके अलावा सर्विसेज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आईटी कंप्यूटिंग सर्विसेज जो हैं वो वेरियस वेंडर्स में डिपेंड करती हैं, सर्विस प्रोवाइडर में डिपेंड करती हैं, जैसे इक्विपमेंट है आपका उसका उसके लिए सप्लाई और सपोर्ट होता है। अगर मान लीजिए सपोज आपने कोई हार्डवेयर लगा दिया है तो वहाँ पर उसके लिए सपोर्ट कंज्यूमेबल्स चाहिए होते हैं, और उसके अलावा जैसे एसी है, एसी की मेंटेनेंस कोई बाहर का आदमी कर रहा है, यूटिलिटीज़ बाहर से आती हैं। तो ये पर्टिकुलर सर्विसेज अगर मान लीजिए सपोज नहीं मिले तो फैसिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, हार्डवेयर की एफिशिएंसी डाउन हो सकती है, अवेलेबिलिटी में कमी आ सकती है, एसी सही से काम नहीं कर रहा है, सिस्टम्स गर्म हो गए, मालूम पड़ा चिप हार्डवेयर की चिप जो है वो गर्म हो गई और शॉर्ट सर्किट कर गई, तो उससे क्या होगा कि ये एक पर्टिकुलर थ्रेट के रूप में है। इससे क्या है, डेटा की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, एरर्स हो सकते हैं, एरर्स जो होते हो सकते हैं टेक्निकल रीजन से हो सकते हैं, नेग्लिजेंस से हो सकते हैं, मेलिशियस कोड्स आ सकते हैं जैसे वायरस वर्म्स, अनप्रोटेक्टेड नेटवर्क है तो उसमें वायरस और वर्म्स चले जाते हैं। अगर एक्सेस प्रिविलेज दिए हैं एम्प्लॉई को तो उन्होंने मालूम पड़ा वो एक्सेस प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल कर दिया, एम्प्लॉई ने ही कोई डिलीट बटन दबा दिया, डेटा डिलीट कर दिया, या कुछ एक्सेस प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल कर दिया। नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, फ्लड, फायर, टॉर्नेडो, सुनामी, ये आईएएस फैसिलिटी जो है उसकी फंक्शनिंग को हैम्पर कर सकते हैं। फैसिलिटी गई, अगर फेसबुक जहाँ पर उसका डेटा फार्म है सपोज वहाँ पर एक टॉर्नेडो आता है या फ्लड या कुछ लाइटनिंग आती है, कुछ आता है जिससे कि वो डिस्ट्रक्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो डेटा गया, डेटा में इफेक्ट आता है, डेटा डिपेंडेंट है हार्डवेयर पर, कंप्यूटिंग फैसिलिटी पर डिपेंडेंट है, कोई चोरी हो जाता है कंप्यूटिंग रिसोर्स या डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, कंप्यूटिंग इक्विपमेंट बैकबोन है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट है, तो उसकी प्रोसेसिंग कौन करेगा, उसकी प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग इक्विपमेंट करेगा, और ये कंप्यूटिंग इक्विपमेंट में थेफ्ट हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, कई बार टेक्नोलॉजी फेलियर की वजह से डाउन टाइम होते हैं। हमने बोला डाउन टाइम और अप टाइम दो टाइम होते हैं, अप टाइम मतलब कंप्यूटर रन करना चाहिए, डाउन टाइम मतलब जिस समय कंप्यूटर रन नहीं कर रहा है, डाउन टाइम है, अप कंप्यूटर अप टाइम रहना चाहिए, डाउन टाइम मिनिमम होना चाहिए, अप टाइम 100% होना चाहिए। कई बार अनअवेलेबल होता है आईएएस फैसिलिटी क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेज आते हैं, इक्विपमेंट फेलियर आते हैं, तो कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता है, तो अगर अवेलेबल नहीं है तो देखना पड़ेगा क्रिटिकलिटी क्या है बिजनेस की, क्रिटिकल प्रोसेसेस कहीं हैम्पर तो नहीं हो रही है। अगर बैंक है, बैंक का आपका डेटाबेस डाउन टाइम है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आग लगी, फायर होगी, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटेज की वजह से, राइट्स वार किसी भी वजह से इररिवर्सिबल डैमेज होगी आईएएस इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो बेसिकली ये सारी थ्रेट्स हैं, तो ये थ्रेट्स वो जो वैल्यूएबल डेटा है उसकी अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम कर सकती है, उसकी इंटेग्रिटी को वायलेट कर सकती है, उसको डिलीट कर सकती है पूरे पूरे डेटा को, और पूरा ऑर्गेनाइजेशन वाइप ऑफ हो सकता है। इसके बाद वनरेबिलिटीज है, तीसरी चीज़ वनरेबिलिटी है, वनरेबिलिटी वीकनेसेस हैं, वनरेबिलिटी कंडीशन है बेसिकली एसेट और ये और उसके सेफगार्ड की वीकनेसेस हैं बेसिकली, जिसकी वजह से थ्रेट मेटेरियलाइज होती है। थ्रेट अपने आप मेटेरियलाइज नहीं होती, अगर वनरेबल नहीं है सिस्टम तो मेटेरियलाइज नहीं होगी। वनरेबिलिटी कंडीशन है, वीकनेस है, जिसके एब्सेंस में सेफगार्ड, प्रोसीजर, टेक्निकल कंट्रोल काम नहीं कर पाते, फिजिकल कंट्रोल्स या लॉजिकल कंट्रोल्स काम नहीं कर पाते हैं, और थ्रेट्स उसे एक्सप्लॉइट कर देती है। अगर आग लगेगी तो वहाँ पर कंबस्टिबल मटेरियल होगा तभी आग लगेगी, अगर वायरस आएगा, वायरस पेनिट्रेट तभी करेगा जब एंटीवायरस नहीं होगा, अगर हैकर हैक सिस्टम को तभी करेगा जब फायरवॉल में लूपहोल्स होंगे, फायरवॉल के आर्किटेक्चर में लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करेगा। तो वनरेबिलिटी होती है, थ्रेट को हम अकेले नहीं देख सकते, थ्रेट को अगर अकेले देखेंगे तो मिसलीडिंग हो जाएगा, वनरेबिलिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें थ्रेट को एक्सप्लॉइट करने के लिए वनरेबिलिटीज देखनी पड़ती है, लूपहोल्स देखने पड़ते हैं, और उसके बाद ही एसेट को हार्म होता है, एसेट को नुकसान तभी पहुंचता है।
अगर फायरवॉल में कोई लूपहोल्स नहीं है, फायरवॉल ठीक काम कर रही है, तो हैकर अंदर नहीं आ पाएगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं गेन कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा बात यह है कि अगर आपके, मैंने पहले पिछले सेशन में बताया कि आपके दोस्त ने आपको धमकी दी कि मैं तुम्हारा घर जला डालूंगा, लेकिन घर जो है एसेट हो गया, जलाना जो हो गया थ्रेट हो गया, और लेकिन अगर घर आपका स्टील का बना है तो जलेगा ही नहीं, वनरेबल ही नहीं है वो, कितना जलाने की कोशिश करो वनरेबिलिटी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बेसिकली वनरेबल है कि नहीं है, थ्रेट होना जरूरी नहीं है, वनरेबिलिटी भी होनी जरूरी है। अगर वनरेबिलिटी हो गई तभी सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, तो आप थ्रेट को हटा दो या वनरेबिलिटी को हटा दो। अगर आपका या तो घर स्टील का बना दो या उसके सामने गार्ड्स लगा दो, पैरामिट्री फेंसें लगा दो कि कोई आदमी घुस ही ना पाए, कंबस्टिबल मटेरियल ही ना ला पाए, फायर ही ना ला पाए। उसके बाद फाइनली इम्पैक्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मॉनिटरी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी हो सकता है। सक्सेसफुल थ्रेट जो होती है, मतलब जो वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने वाली थ्रेट कह सकते हैं, सक्सेसफुल थ्रेट या ऐसी थ्रेट जिसने वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर दिया, तो उससे क्या हो जाता है, एसेट को हार्म या लॉस हो जाता है और उससे इम्पैक्ट पैदा होता है। वो जो हार्म हुआ या लॉस हुआ वो इम्पैक्ट हो गया। इम्पैक्ट मॉनिटरी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जैसे हैकर ने सेंसिटिव फाइल चोरी कर ली तो उसने एटीएम से कुछ पैसे या एक्सेस कंट्रोल के बारे में पता कर लिया, तो एटीएम से पैसे निकाल लिए या कुछ चीज़ कर ली, या डेटा को डिलीट कर दिया, तो डेटा का पूरा लॉस हो गया। मतलब ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट इम्पैक्ट हो, ऑपरेशन डिस्टर्ब हो गया। अगर ऑपरेशन डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा कि उसकी वजह से पैसे का लॉस हो जाएगा, ऑपरेशनल लॉस हो जाएगा। तो मॉनेटरी लॉसेस भी होते हैं और नॉन मॉनेटरी भी होते हैं। नॉन मॉनेटरी रेपुटेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की। अगर मान लिया हैकर ने कोई फाइनेंशियल सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल दी, तो हो सकता है बैंक वगैरह के केस में लॉ पीछे पड़ जाए, आपके गवर्नमेंट पीछे पड़ जाए, लीगल सूट्स हो जाए। और लीगल सूट्स में पैसा का तो प्रॉब्लम होगी, पैसा तो देना पड़ेगा। हो सकता है रेपुटेशन का लॉस हो, जैसे बैंक में अगर मान लिया सपोज उन्होंने एक पर्टिकुलर सिस्टम हैक कर दिया, बैंक का कोई सर्वर हैक कर दिया, तो बैंक की क्रेडिबिलिटी का लॉस होगा, इसीलिए बैंक ये बात छुपाता है, बैंक किसी को बताने नहीं देता है। तो यानी इम्पैक्ट जो है मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। नॉन मॉनेटरी जो है गुडविल का लॉस हो सकता है, मॉनेटरी जो है फाइनेंशियल इम्पैक्ट का लॉस हो सकता है। तो इसको एक बार और समराइज़ कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिस्क जो है उसको हमें इसमें देखना है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिस्क में क्या है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, डेटा। डेटा ही तो प्रोडक्ट है, और डेटा वैल्यूएबल होता गया है, तो डेटा छोटी सी जगह में आ रहा है, डेटा ईजिली डिलीट कर सकते हैं, डेटा ईजिली मूव कर रहा है, डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, तीन चीज़ें डेटा में होना बहुत जरूरी है, जहाँ पर वो अवेलेबल होना चाहिए। अगर डेटा लॉस हो गया तो प्रॉब्लम है, वो अनअवेलेबल हो जाएगा। अनअवेलेबल डेटा कोई काम का नहीं है, अवेलेबल है तो गलत आदमी को अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर आपका एलिली या जॉनसन जैसी कंपनी और वो ड्रग में रिसर्च कर रही है और $2 बिलियन उस ड्रग में लगा चुकी है कैंसर के, मतलब बड़ा वो डेटा ही गायब हो गया, किसी और के हाथ पड़ गया, उसको तो पका पकाया चीज़ मिल गया। अब वो आगे रिसर्च करेगा, उसमें $1 बिलियन लगा के मालूम पड़ा उसने उसका पेटेंट करा लिया, पहले पेटेंट करा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में डेटा बहुत वैल्यूएबल हो गया, डेटा का रिस्क हो गया, डेटा का रिस्क होने की वजह से एक नई ब्रांच बन गई, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आ गया। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर रिस्क असेसमेंट करता है, किसका रिस्क असेसमेंट करता है, डेटा का करता है। डेटा का रिस्क असेसमेंट करेगा तो उसके पीछे डेटा कहाँ पर, डेटा को प्रोसेस कौन करेगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में प्रूव करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो गए। उसको कहाँ रखा जाएगा, हार्डवेयर में रखा जाएगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। और वो हार्डवेयर को फैसिलिटी में रखा जाएगा, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी में रखा जाएगा। पहले छोटी छोटी फैसिलिटीज़ होती थी, आज की बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, आजकल बड़े बड़े डेटा फार्म्स हैं, एक शहर के बराबर छोटे टाउन के बराबर के डेटा फार्म क्रिएट हो गए हैं। फेसबुक गूगल के जो डेटा फार्म हैं, ह्यूज डेटा फार्म्स हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और इन्फॉर्मेशन ने क्या है कि एक छोटी सी कंपनी को $100 बिलियन की कंपनी बना दिया है। तो
कहने का मतलब ये है कि डेटा इंपॉर्टेंट हो गया और वहीं से इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर इंपॉर्टेंट हो गया, और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को रिस्क को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और रिस्क को अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन को आप देख सकते हो, उसके स्टैंडर्ड्स को देख सकते हो, और उसमें क्या है मैनेजमेंट फॉर आईटी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग गाइडलाइंस है, और गाइडलाइंस जो हैं हमें किसके बारे में बताती हैं, आपके रिस्क के बारे में बताती हैं, तो रिस्क के बारे में ही बताती हैं, तो वही एक रिस्क को कैसे डिफाइन करती हैं कि रिस्क पोटेंशियल थ्रेट है, फ्यूचर में होने वाली थ्रेट है, फ्यूचर में हो सकती थ्रेट है, जरूरी नहीं हो लेकिन पोटेंशियल है, तो वो एक थ्रेट है। किस पर थ्रेट है? एसेट पर। और वो थ्रेट कैसे मेटलाइज होती है? वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करती है, और उससे होता क्या है, एक इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट क्या हो सकता है? मॉनेटरी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी हो सकता है। मॉनेटरी क्या होगा? पैसे का लॉस हो सकता है, नॉन मॉनेटरी गुडविल का लॉस हो सकता है। बेसिकली यही चीज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क समझाता है, समराइज करें। अब एसेट जो है, एसेट हम पहले ही बोल चुके हैं, डेटा है। डेटा के पीछे क्या होता है? डेटा या इंफॉर्मेशन है, उसके पीछे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और वो सब हार्डवेयर में कंप्यूटिंग फैसिलिटी में होते हैं, और कंप्यूटिंग हार्डवेयर में होते हैं वो फिर एक कंप्यूटिंग फैसिलिटी के अंदर रखी जाती है। उसके बाद क्या है, हमने पढ़ा थ्रेट्स के बारे में, बहुत सारी थ्रेट्स हो सकती हैं। सर्विसेज के रिलेटेड थ्रेट हो सकती है, आदमी के रिलेटेड थ्रेट हो सकती है, एम्प्लॉय के रिलेटेड थ्रेट हो सकती है, डिसइंग्रेंटल एम्प्लॉय के रिलेटेड थ्रेट हो सकती है, पावर का लॉस हो सकता है, कम्युनिकेशन फेलियर का लॉस होता है। पावर सबसे इंपॉर्टेंट है, दुनिया में पावर ही सब कुछ है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इतनी वो क्यों कर रही है? क्योंकि वो पावर दे रही है, मतलब ऑयल दे रही है। ऑयल क्या करता है? पावर प्रोड्यूस करता है, पावर प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल, इसलिए वो इतनी ज़्यादा अमीर है। इसीलिए सोलर एनर्जी रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की गई है कि उनके हाथ की पावर ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि पावर क्या कर रही है कि मल्टीप्लाई पावर जो है वो मशीन्स क्रिएट कर रही है, उनको पावर कर रही है, और आपकी एफिशिएंसी बढ़ा रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है। पहले 10 times बढ़ाई, 100 times बढ़ाई, 1000 times बढ़ाई, 10,000 times बढ़ाई, वो बढ़ाती जा रही है, उसके साथ ऑटोमेशन आप करते जा रहे हो, तो चीज़ें और एफिशिएंट होती जा रही हैं। तो पावर लॉस नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन फेलियर नहीं होना चाहिए, डिसइंग्रेंटल एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ये थ्रेट है, एरर्स थ्रेट है, मलिशियस कोड थ्रेट है। अगर कोई किसी को एक्सेस प्रिविलेजेस दिए हैं एम्प्लॉय, वो गलत यूज़ कर रहा है, वो भी एक थ्रेट है। नेचुरल डिजास्टर भी थ्रेट है, अगर चोरी हो गई कंप्यूटिंग रिसोर्स की तो भी थ्रेट है, अगर डिस्ट्रक्शन हो गया कंप्यूटिंग रिसोर्स का तो भी थ्रेट है, अगर डाउन टाइम है तो थ्रेट है। डाउन टाइम है तो इसका मतलब कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, आप डेटा अवेलेबल नहीं हो रहा है, डेटा की जगलरी करनी है, डेटा को घुमाना है। न्यूज़पेपर क्या करता है? आपके पास इन्फॉर्मेशन ही तो भेजता है, और पूरी की पूरी डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है वो, एक इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन पावर होती चली जा रही है, और नीचे सारी चीज़ें ऑटोमेट होती चली जा रही है। इसके बाद अगर आग लग गई वो भी थ्रेट है, और थ्रेट क्या करती है? वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करती है, आपके अंदर वनरेबिलिटी है तो एक्सप्लॉइट करेगी। जैसे आपकी बॉडी है, जवान आदमी है, तो उसमें क्या है कि वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा हैं, HIV आता है, कुछ नहीं कर पाता है कुछ सालों के लिए, क्योंकि वो उसके वाइट ब्लड सेल्स को ख़त्म नहीं कर पाता। जैसे ही वाइट ब्लड सेल्स ख़त्म होते हैं तो क्या है कि कोई भी बाहर कोई भी चीज़, कोई छोटी सी बीमारी आदमी को मार देती है। HIV क्या करती है? HIV का वायरस आपके अंदर रेजिस्टेंस ज़ीरो कर देता है, अब आपको छोटी सी बीमारी मार डालेगी। बस यही करता है HIV का वायरस, कुछ नहीं करता। वाइट ब्लड सेल्स जो आपके इम्यून सिस्टम को रखते हैं, जैसे आपके वहाँ कोई बीमारी आई उसको रोकते हैं, उससे लड़ते हैं। ऐसा हुआ कि एक किला है, किला में सैनिक ही नहीं है, किला के सारे सैनिक मार दिए, अब बाहर कोई भी हमला कर सकता है। तो वनरेबिलिटी क्या है? किला तैयार है आपका, लेकिन किले के अंदर दरवाज़ा कमज़ोर है, वो वनरेबिलिटीज़ हैं। तो वनरेबिलिटीज़ कहीं भी हो सकती हैं, फायरवॉल आप में लूप होल्स निकाल लिए, एंटीवायरस हैं उसमें लूप होल्स निकाल लिए, ट्रोजन हॉर्स डाल दिया, ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम डाल दिया, और फिर फाइनली क्या होता है? इम्पैक्ट होता है। अगर इम्पैक्ट जीरो है इन सब चीज़ों का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर तो वो थ्रेट ही नहीं है। इम्पैक्ट थ्रेट के लेवल को डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है थ्रेट देखने थ्रेट के लायक है कि नहीं है। अगर मालूम पड़ा आपका घर है और आपको धमकी मिलेगी आपका घर जला दूंगा, आपने कहा कि घर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो खुद ही तोड़ने की सोच रहा था इस घर को, चलो अच्छा है यही तोड़ देगा, तो आप उसे उकसाओगे, आप उसे कहोगे कि तेरी हिम्मत है मेरे घर को गिरा सके, और वो घर को गिरा देगा तो आप खुश होगे कि इसने घर तोड़ दिया है, मेरे को मजदूर लगाने पड़ते, उनको कॉस्ट देनी पड़ती इस घर को तोड़ के, क्योंकि मैं इसके ऊपर नया घर बनाने वाला था।
इसने जला दिया घर, मैं इंश्योरेंस से पैसा ले लूँगा और फिर नया घर बना लूँगा। मैं तो चाहता हूँ ये मेरे घर को जला दे, ताकि ऐसा है क्या कहते हैं मैंने इंश्योरेंस कर रखा है, कोई सबोटाज करेगा उसका भी इंश्योरेंस है मेरे पास, तो पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा, तो मैं तो उसे और उकसाऊंगा। तो वो थ्रेट नहीं रही फिर, थ्रेट में इम्पैक्ट होना चाहिए, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, आपकी गुडविल जानी चाहिए या कोई पैसा जाना चाहिए। और फिर जैसे ही पैसा जाएगा वो जाएगा, तो आपके कान खड़े हो जाएंगे कि नहीं भाई अब इसका इम्पैक्ट हो रहा है और इस इम्पैक्ट को मैं नहीं झेल सकता, मुझे नहीं झेलना है। मतलब झेल तो सकता हूँ लेकिन ये इम्पैक्ट कॉस्टली है, मैं नहीं चाहता ये इम्पैक्ट हो। वहाँ पर आप कंट्रोल लगाओगे। तो बेसिकली यही चीज़ हमारी स्टडी समझाने की कोशिश करी, बड़े ही टेक्निकल लैंग्वेजेस में समझाने की कोशिश करी। आप पढ़ोगे बड़े ही नीरस लगेगा आपको पूरा का पूरा चैप्टर, लेकिन इन सी चीज़ों को सोचते हुए पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। थैंक्स।